तुझती महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जीवन जल कार्यक्रम सुनने के लिए आप सबका बड़े आनंद के साथ हम स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन लेकर हर बार एक एक नई सच्चाइयों को आपके साथ बांटना और साथ में सुनना और सीखना कितना आनंद का समय होता है। प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे नए नए विषय जब हम सुनते और सीखते, प्रभु आपके लिए हम सबके लिए एक आशीष का कारण बनाए। आज से मैं आपका ध्यान एक नया विषय जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कहे हुए वचन के द्वारा हमें सुनने और सीखने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:24 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए हुए ना केवल उद्धार के सुसमाचार को सुनते हैं, बल्कि उसी में से उद्धार की सुरक्षितता को देखते हैं। उद्धार का सुसमाचार और उद्धार की सुरक्षितता, द वर्ड ऑफ सैल्वेशन बट ऑल्सो द सिक्योरिटी ऑफ सैल्वेशन, ये इन दिनों में इतना जरूरी है, क्योंकि जैसे इस संसार में हम अपना जीवन बिताते हैं, हम देखते हैं कि सुरक्षितता, शाश्वती, खात्री, सिक्योरिटी एक मनुष्य के जीवन की अहम जरूरत हो चुकी है। आप देखिएगा, अपने नौकरी पेशा के संबंध में हर मनुष्य चाहता है कि मेरी नौकरी एक सुरक्षित नौकरी हो।
आर्थिक जीवन के बारे में यदि हम सोच विचार करें, हम सोचते हैं कि हमारी आर्थिक जरूरत आवश्यकताओं को भी एक सुरक्षितता प्राप्त हो सके। जैसे ही हमारे घर में, हमारे अगल बगल में जब हमारे बुजुर्ग लोगों को हम देखते हैं, वे भी अपने बुजुर्ग जीवन की अवस्था में एक सुरक्षितता को देखना चाहते हैं। सुरक्षितता एक मनुष्य के जीवन की बहुत जरूरत है करके हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक नौकरी की सुरक्षितता होना या अपने बुढ़ापे में अपने जीवन की सुरक्षितता होना या आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षितता होना, यह तो एक बात हो चुकी। लेकिन क्या आपने कभी इस विषय के बारे में सोचा कि हमारे प्राण की सुरक्षितता, हमारे उद्धार की सुरक्षितता, हमारे सार्वकालीनता की सुरक्षितता? यही बात को लेकर हम प्रभु के वचन से इन सच्चाइयों को आपके सामने रखना चाहते हैं। उद्धार का सुसमाचार, लेकिन उद्धार की सुरक्षितता, संरक्षण, सिक्योरिटी प्रभु यीशु मसीह के इस एक वचन के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। इसमें से मैं तीन बातें आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। सबसे पहले जब यहां हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इस सुरक्षा जो प्रभु हमें देना चाहते हैं, सार्वकालीनता की सुरक्षा, जिसके बारे में सबसे पहले उसकी प्रतीति की गई है। स्वयं प्रभु ने वहां पर कहते वक्त कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। सुरक्षितता की प्रतीति को हम देखते हैं। दूसरी बात, उसकी प्रतिज्ञाओं को हम देखते हैं। और तीसरी बात, इस प्रभु के द्वारा ना केवल उसकी प्रतीति और इसका जो एक प्रभु के द्वारा दिया हुआ ये वचन जो हमें अपने जीवन में प्रतिज्ञाओं को देता है, बल्कि इसके विषय में दी हुई प्रार्थना को हम देखते हैं। तीन चीजों को, प्रतीति, प्रतिज्ञा, प्रार्थना। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं प्रतीति की ओर। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उद्धार के सुरक्षितता की प्रतीति मैं कहना चाहता हूं, दी एश्योरेंस। जब प्रभु इस वचन के द्वारा इस विषय की प्रस्तावना हमारे सामने करते हैं, प्रस्तावना में ही प्रभु एक शब्द दो बार वहां पर कहते हैं और लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, वेरिली वेरिली आई से अनटू यू। वो वेरिली शब्द हो या ये सच शब्द हो, मूल भाषा में इसको आमेन आमेन मैं तुमसे कहता हूं, मतलब इसकी प्रतीति उन शब्दों में हमें ना केवल एक बार सच्चाई का वचन, बल्कि दो बार ऐसा शब्द जो आमेन आमेन करके कहा गया है। इसका मतलब क्या आप जानते हैं? इसका मतलब अब मैं आपके साथ ऐसी सच्चाई को बांटने जा रहा हूं, मतलब कभी ना बदलने वाले वचन को मैं आपके साथ बांटने वाला हूं। कौन सी ऐसा बात जो प्रभु बांटना चाहते हैं, उसकी प्रतीति के बारे में विचार करें, तो यह प्रतीति प्रभु किसके साथ कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जिनको इस प्रतीति की एक जरूरत, प्रभु की ओर से इसका मार्गदर्शन दिया हुआ हम देख सकते हैं? वहां पर उनके विषय में बताते वक्त तीन बातों को वहां पर लिखा गया है। Who are they who are recipients of what the Lord Jesus Christ is giving an assurance about? ये कौन है जिनके साथ प्रभु ये प्रतीति का वचन बांटना चाहते हैं? उनके बारे में तीन बातें वहां पर बताई हुई है। देखिएगा, वे ऐसे लोग हैं सबसे पहले जो मेरा वचन सुनते हैं। प्रभु का वचन सुनने वाले, प्रभु का वचन ध्यान से सुनने वाले, प्रभु के वचन को कान देकर सुनकर उसके ऊपर ध्यान मनन और अध्ययन करने वालों को प्रभु यह प्रतीति देना चाहता है। इस विषय को समझने के लिए मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आज वचन तो कितना सुनाया जा रहा है, सुन रहे, प्रचार भी कर रहे, लेकिन बताए हुए वचन के ऊपर और सुने हुए वचन के ऊपर कितने लोग विश्वास कर उसको अमल कर रहे हैं? क्या आप उनमें से एक हो सकते थे? अगर एक हो सकते हैं तो प्रभु का यह वचन सुनने वालों के लिए है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यह सुनने का अवसर प्रभु ने आज आपको, मुझे, हम सबको यह संगति में दिया हुआ है। प्रतीति किसके साथ की जा रही है? जो वचन सुनने वाले में है। दूसरी बात वहीं पर बताई है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है।
देखिएगा, ना केवल वचन सुनने वाला बल्कि सुनने के बाद उसके ऊपर विश्वास करने वाला। मेरे प्रियो, सही विश्वास परमेश्वर की ओर से हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह के किए हुए उस काम के ऊपर, जो कोई विश्वास करता है, मन लगाता है, ध्यान लगाता है, विश्वास करके उसको अंगीकार करता है, उसके लिए यह प्रतीति का वचन प्रभु देना चाहते हैं। हम आगे देखने वाले हैं कौन सी प्रतीति प्रभु करना चाहते हैं। एक, वचन को सुनने वाले, दो, वचन के ऊपर सुनकर विश्वास करने वाले, लेकिन तीन, वहीं पर बताया हुआ है क्या विश्वास करना है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। सुनना तो है, विश्वास करना है, लेकिन क्या विश्वास? लिखा है जिसने मुझे भेजा है उसके ऊपर प्रतीति करता है। इसका मतलब उस पिता ने जो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, उनके भेजने का मकसद क्या है, भेजने वाला कौन है, भेजा किसको है, और किस मकसद से इस संसार में यीशु मसीह आए हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 45 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है, जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। इसका मतलब पिता ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए भेजा हुआ है। इस बात को जब हम विश्वास करते, इसका मतलब यह है वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी मनुष्य का पुत्र बनकर इस संसार में आया, और भेजने वाले का उद्देश्य मकसद एक ही था, ताकि आपके मेरे जीवन में पापों की क्षमा का अनुभव मिल सके, हमारा उद्धार हो सके, हमारी परमेश्वर के साथ जान पहचान हो सके, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। उद्धार का मतलब यही है कि पापों की क्षमा मिल जाना। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजने वालों की, मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। मेरे प्रियो, क्या आप उन लोगों में से आज हो सकते हैं? क्या आप सच में यह वचन सुनकर विश्वास करेंगे? क्या विश्वास कि पिता ने पुत्र को इस संसार में आपके लिए, मेरे लिए, हमारे उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए भेजा हुआ है? ऐसे लोगों के साथ प्रभु इस उद्धार की सुरक्षितता, सार्वकालीनता की सुरक्षितता का वचन बताते वक्त अगर आप उन सुनने वालों में से है तो उनके लिए देखिएगा आगे, मैंने कहा था ना केवल प्रतीति बल्कि उनके साथ प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं, अभिवचन देते हैं, आश्वासन और अभिवचन, प्रतीति और प्रतिज्ञा। जो वचन सुनने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करते हैं, उनके लिए प्रभु इसी वचन में उनके उद्धार की रखवाली, सुरक्षितता, सिक्योरिटी ऑफ देयर सेल्वेशन के संबंध में तीन प्रॉमिसेस, तीन प्रतिज्ञाओं को उसी वचन में हमसे बताते हैं। मेरे प्रियो, ये इतनी जरूरत की बात है, मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि भरमाने वाले की आत्मा को इस संसार में ऐसे फैला दिया है ताकि आपके जैसा, मेरे जैसा सीधा साधा व्यक्ति सरल मार्ग से न जाए बल्कि भ्रम में आके सच्चाई से भटक जाए। लेकिन आप जब ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप इन वचनों को सुनकर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करते हैं तो आपके लिए ना केवल प्रतीति का वचन बल्कि प्रतिज्ञा का वचन, और तीन प्रतिज्ञाओं को प्रभु इसी पद में बताते हैं। सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या बताई है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, सबसे पहली बात, अनंत जीवन उसका है। क्या बड़ी बात है! सबसे पहली प्रतिज्ञा प्रभु कौन सी करते हैं? अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, क्या आप ये अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अनंत जीवन की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं? तो आज के इस वचन को सुनकर विश्वास करके यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार कीजिएगा। तो पहला वचन जो मैंने यहां पर पढ़ा, प्रतिज्ञा का वचन, वो क्या है? अनंत जीवन उसका है। इसका मतलब
ये हमारे वर्तमान काल के स्थिति की अवस्था में बताया हुआ है। ये जो तीन प्रतिज्ञाएं बताई है, ये तीन काल के संबंध में बताई है। एक वर्तमान काल में, यदि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा मुक्तिदाता है, ऐसे मैंने विश्वास किया, अंगीकार किया है, अमल किया है, यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, पाप से मन फिराया है, धन्य है आप। क्यों? क्योंकि पहली प्रतिज्ञा अनंत जीवन आपका है, प्रभु उसे अनंत जीवन देता है। लेकिन दूसरी प्रतिज्ञाओं को भी मैं तुरंत बताना चाहूंगा। वहीं पर लिखा हुआ है, ना केवल वर्तमान काल में उसको अनंत जीवन दिया गया है, बल्कि भविष्य काल का क्या बताया है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या धन्य बात है! क्या आप जानते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वर्तमान अनंत जीवन उसका है। अभी इसी वक्त यीशु मसीह आपको वो दे सकता है, बल्कि भविष्य काल में जो दंड हर मनुष्य के जीवन में उनके पापों के कारण, परमेश्वर का दंड, क्रोध, ताड़ना, परमेश्वर की ओर से जो जजमेंट है, उससे वो बच सकता है। वो दंड की आज्ञा उसके जीवन में नहीं होती जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करते हैं। इसलिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसके पहले पद में भी लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। Therefore, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. भविष्य काल के उस दंड से छुटकारा। क्या प्रतिज्ञा है! वर्तमान काल में अनंत जीवन मिला है, भविष्य काल में दंड की शिक्षा से, दंड के परिणाम से बचाए गए हैं। क्या लिखा है? उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और तीसरी बात वहीं पर बताई है, जो हमारे भूतकाल के संबंध में बताई है, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। भूतकाल में, जानते हैं क्या, पाप में पैदा होने के कारण, पाप में अपना जीवन बिताने के कारण, आप हो या मैं हो, किसी भी मजहब के हो, धर्म के हो, जाति के हो, संस्कृति के हो, और किसी भी रंग के हो, वर्ण के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जगह के हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, हमारा जन्म पाप में है, हमारा जीवन पाप में है। और इसलिए इस पाप के भयंकर न्याय से ना केवल हम बच जाएंगे, बल्कि पाप का दंड जो मृत्यु है, उससे छुटकारा पाकर हम जीवन में प्रवेश करते हैं। तीन प्रतिज्ञाओं को प्रभु ने बताया, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल में अनंत जीवन उसका है, और भविष्य काल में उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और भूतकाल में क्या लिखा है, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रतीति करने वाले के लिए तीन प्रतिज्ञा प्रभु आज इसी वक्त देना चाहते हैं। क्या आप इन विषयों को अपने जीवन में गहराई से सोचकर इस प्रभु के इन वचनों की ओर आज ध्यान देंगे? मैं अनंत काल की सुरक्षितता के बारे में यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के प्रचार से, उनके मुंह से निकले हुए इन शब्दों को आपके साथ बांट रहा हूं। सुनिएगा, क्यों? क्योंकि तीसरी बात को मैं बताना चाहता हूं। एक प्रतीति, दो प्रतिज्ञा, लेकिन तीन प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? हे बोझ से दबे हुए, हे थके मांदे, हे इस संसार में पाप के कारण सारे बुराइयों के झंझोल में फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु की आज वो पुकार है। जो कोई उनकी इस प्रार्थना को, आमंत्रण को, निमंत्रण को, इनविटेशन को स्वीकार करके यीशु मसीह के पास आते हैं, मेरे प्रियो, ये अनंत जीवन ना केवल उनको मिलता है, बल्कि इन सारी बातों से छुटकारा पाकर वे प्रभु के पास आ सकते हैं। तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 36वां पद पढ़ रहा हूं। लिखा है, परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, सुनिएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यही है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से
मैं कुछ न खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। उद्धार की सुरक्षितता, जब इस निमंत्रण को प्रभु के पास आने के बारे में आप विश्वास करेंगे, दो नकारात्मक बातों को बताया है और दो सकारात्मक बातों को बताया है। दो नकारात्मक बातें क्या? यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आएंगे, प्रभु कहते हैं वहां पर 37 पद में, एक, मैं उसे कभी ना निकालूंगा, और दूसरी बात 39 पद में लिखा है, उसमें से मैं कुछ न खोऊंगा, ना मैं निकालूंगा ना मैं खोऊंगा, ना मैं निकालूंगा ना मैं खोऊंगा। कितनी धन्य बात है, एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करने से कभी ना कोई निकाल लेंगे आपको, ना कभी आप खो जाएंगे इस संसार के पाप के झंझोल में। ना केवल नकारात्मक दो बातें लेकिन सकारात्मक दो बातें। लिखा है 39 पद के आखिरी भाग में, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्या? जो कोई उनकी इच्छा को सुनकर विश्वास करता है, ना वो निकालेगा ना वो उनको खोएगा, बल्कि उनको वो जिला उठाएगा। ना केवल 39 पद में बल्कि 40 पद में फिर से लिखा है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे प्रियो, ये सच में वास्तविकता है। हमारे उद्धार की सुरक्षितता हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। आप सोचेंगे, अगर मैं गिर गया तो, मैं हार गया तो, मैं पाप में पड़ गया तो, यदि मैं परमेश्वर को अंतर दे दिया तो, यदि मैं खो जाऊं तो, ना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि ये हमारी जिम्मेदारी होती तो हम में से कोई भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता। धन्यवाद दे उस प्रभु को, ना केवल वो उद्धार हमें देता है बल्कि हमारे उद्धार की पूरी सुरक्षितता को वहां पर हमें बताता है। क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने इस प्रभु को अपना जीवन देकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि ये समस्या तब हमारी नहीं है, हमारे रखवाली की समस्या तब हमारे प्रभु की होती है। मैं दो पदों को पढ़ना चाहता हूं, की पत्री 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिएगा, यहूदा की पत्री और उसका 24 और 25 पद भी मैं पढ़ लूं, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन, आमीन, आमीन। मैं क्या कहूँ मेरे प्रियो, हमारी रखवाली, हमारी सुरक्षितता, हमारी सिक्योरिटी ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से, इसकी प्रतीति वो देते हैं, इसकी प्रतिज्ञाओं को बताते हैं, और इसकी प्रार्थना हमारे सामने रखिए कि हम उनके ऊपर वचन को सुन पर विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करें। वो ना कभी हमें निकालेंगे ना कभी हम खोएंगे, प्रभु हमें बचाएगा, संभालेगा और उद्धार के दिन तक प्रभु आपको और मुझे लेकर जाएगा। क्या आज आप अपना जीवन प्रभु को देंगे? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? क्या आज सच में अपने पाप से मन फिराकर यीशु मसीह मेरा प्रभु मेरा मुक्तिदाता अंगीकार करेंगे? इसी वक्त इस उद्धार की सुरक्षितता अनंत काल के लिए प्रभु आपको देना चाहते। प्रभु ये सुनकर विश्वास करने के लिए आप सबकी सहायता करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं, ना केवल उद्धार देने वाला बल्कि उद्धार में आए हुए सबको संभालने वाला, उस सुरक्षितता के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय दर्शकों को समझकर विश्वास करने के लिए आप सहायता करें। आपकी हम स्तुति और महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह हमारे एक ही प्रभु और मुक्तिदाता के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422
SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 09892580744। ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube.com। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।